नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। बरेली में प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक की हत्या से हड़कंप मच गया। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईवे पर गाड़ी के अंदर से शव बरामद हुआ है। गुरुवार की शाम घर से फैक्ट्री के लिए व्यापारी निकला था। फतेहगंज पश्चिमी रोड पर फैक्ट्री मालिक संजीव गर्ग निवासी बरेली की हत्या हुई है। मौके पर पहुंची तीनों थाने की पुलिस ने देर रात वहां पर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के तहत जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ परिवार को भी ढांढस बंधाया जा रहा है। थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोंडा में हुई पेट्रोल पंप से लूट का खुलासा आखिरकार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पूर्व 2 लाख रुपए की चोरी हुई थी। पुलिस ने 3 लुटेरों को अरेस्ट किया है। लुटेरों के कब्जे से करीब 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। 3 तमंचे, कारतूस और 2 बाइक भी बरामद कर दी गई है। आपको बता दें कि सेल्समैन की मिली भगत की वजह से लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। आरोपियों पर गैंगस्टर की तैयारी में पुलिस जुटी हुई है। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के चिकना बाजार चौकी क्षेत्र में ये लूट हुई थी। जनपद गोंडा में थाना मनकापुर अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें पेट्रोल पंप के जो मैनेजर थे उमेश उसूरी किशोर सिंह, उन्होंने एक तहरीर दी थी कि उनके ही 2 सेल्समैन राहुल मिश्रा और विपिन यादव ने 2 लाख रुपए का चोरी कर ली है, गबन कर लिया है। इस पे टीमों का गठन करके वर्कआउट कराने के लिए लगाया गया था। जब इसमें वर्कआउट कराया गया तो इन सेल्समैनों के द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि इसी पेट्रोल पंप पे काम करने वाले जो पूर्व सेल्समैन थे पिंटू सिंह, उसी के द्वारा अन्य 2 साथियों के साथ लूट की घटना कारित की गई थी और उसी दौरान ये 2 लाख रुपए इन दोनों सेल्समैन से छीन के भागा गया था। भदोही में ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। युवती ने दुष्कर्म और जान से मार देने की धमकी के गंभीर आरोप लगाए। युवती ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। न्याय न मिलने पर आत्मदाह कर लेने की चेतावनी भी दी है। विधायक जी ने मेरे साथ दुष्कर्म किया था और सामूहिक दुष्कर्म कराया था। इसके लिए मैंने 1.5 साल पहले मैंने कंप्लेन किया था और उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनवाया कि मैं अपने केस को वापस कर लूं। इसलिए इन्होंने मेरे भाई के ऊपर और मेरे ऊपर मुंबई से 3 जगहों से फर्जी रेप का मुकदमा, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मुकदमा, मेरे ऊपर खुद ऊपर मुकदमा लिखवाया है। कौन से विधायक है, क्या नाम है उनका और कहां के विधायक हैं? सर, ये विधायक विजय मिश्रा भदोही के, निषाद पार्टी के। तो कब से ये आपका ये मामला चल रहा, कितना टाइम हो गया अभी? सर, ये मामला मेरा हो गया 1.5 साल हो गया। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सिकड़ी में संजय निषाद कहते हुए नजर आए कि एनडीए गठबंधन 403 सीटों पर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। हमारे कुछ प्रत्याशी भाजपा के सिंबल पर भी चुनाव लड़ेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा निषाद ने। पूरे 403 पर हम लोग एनडीए घटक लड़ रहे हैं और 403 के लिए तय हुआ कि हर सीटों पर निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपना दल लेकर एक एक उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करेंगे और जितना भी सीट निर्धारित की एनडीए ने उससे ज्यादा सीट जीतूंगा। तो क्या आपके कुछ प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर भी लड़ेंगे? रूप से मैंने पहले भी बता दिया कि हमारे ज्यादातर प्रत्याशी अपने सिंबल पर भोजन की तैयारी कर रखे हैं। वो जीत के समीकरण में है। वो जीत रहे, कुछ 2-1 ऐसे प्रत्याशी, 2-4-5 की कम से कम वो वहाँ वो ट्रांसफर होने में दिक्कत हो बीजेपी गठबंधन। चुनाव आचार संहिता के तहत चिन्हट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 12 लाख की नकदी यहाँ पर पुलिस ने बरामद की। चेकिंग के दौरान एसयूवी गाड़ी से ये नकदी बरामद की गई। उर्मिल कुमार नाम का शख्स गाड़ी की डिग्गी में छुपकर ये रकम ले जा रहा था। पूछताछ में रकम का कोई भी हिसाब किताब वो नहीं दे रहा था। पुलिस के मुताबिक चुनाव में ये रकम कहाँ पाई जानी थी। पुलिस नकदी सहित उर्मिल को लेकर कोतवाली पहुंची है और पूछताछ की जा रही है। मैनपुरी में करहल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संजीव यादव का बड़ा बयान सामने आया। करहल विधानसभा से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को हराकर मुंह काला कर भेजेंगे ये कहते हुए नजर आए। अखिलेश यादव को करहल विधानसभा के गांव के नाम तक नहीं पता है। अखिलेश यादव के नाम से अगर उनके पिता का नाम हटा दिया जाए तो अखिलेश यादव एक मेंबर का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव करहल से लड़ने जा रहे हैं, जिसकी कल ही घोषणा की गई थी। 1 से 10 विधानसभा करहल से। जैसा जी आपको पता होगा कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी करहल से ही चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है।
कैसा, किस तरह से देखते हैं आप इसको? सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरी करहल विधानसभा की तरफ से इनका आभार प्रकट करते हैं कि हमें इन्होंने प्रत्याशी बनाया। अखिलेश जी भली भांति जानते हैं कि करहल से वो निश्चित चुनाव हारेंगे। कल उनका चेहरा आप देखते, उनका चेहरा और आप मेरा देखो, अखिलेश जी के सामने हम लड़ने के लिए तैयार हैं और अपनी करहल की महान जनता के विश्वास पर, करहल विधानसभा की महान जनता के विश्वास पर अखिलेश जी का मुंह काला करके यहां से हम भेजेंगे। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से दो सगे भाइयों की जिंदा जलकर कमरे में सोते समय देर रात मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची और इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि भुनला का पूर्वा भत्ती गांव का ये पूरा मामला है। सहारनपुर जिले में आज से प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सभी कार्य किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सभी पार्टियों को चुनाव आयोग के निर्देश पहले ही बताए जा चुके हैं। नामांकन के दिन प्रत्याशी के साथ केवल दो प्रस्तावक ही भीतर दाखिल कर सकेंगे। मौके पर भारी पुलिस फोर्स बल की तैनाती की गई है। कोविड-19 के नियमों का भी सभी राजनीतिक दलों से पूर्ण रूप से पालन करने के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह और SSP श्री आकाश तोमर कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण भी किया। सिद्धार्थनगर में पुरानी रंजिश को लेकर युवक ने महिला के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। युवक ने महिला के साथ जमकर पिटाई की, पिटाई से महिला बेहोश हो गई। ये वीडियो बीते कल का बताया जा रहा है। ये पूरा मामला त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के पड़िया गाँव का है। सुल्तानपुर में 167 नए कोरोना केसेस मिले हैं। लखनऊ टेस्ट में 157 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। एंटीजन टेस्ट में 6 और ट्रन टेस्ट में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। 80 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। CMO डॉक्टर DK त्रिपाठी ने इस बात की पुष्टि की है। सुल्तानपुर की धनपतगंज पुलिस ने हिस्ट्री चीटर ध्रुव दुबे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से कई चीजें बरामद कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि 19 लूट समेत अन्य गंभीर किस्म के मुकदमों में वो वांछित चल रहा था और लंबे समय से इसकी तलाश थी। बीते 18 जनवरी को शुभम पांडे और लखनऊ पाठक के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे भी उसने लूट की घटना को अंजाम दिया। थाना अध्यक्ष मनोज शर्मा का कहना है कि फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। ध्रुव कुरेभार थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। चुनावी बिगुल बजने के बाद जनपद अमरोहा में विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में होना तय किया गया। दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसको लेकर अमरोहा में नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके चलते बीजेपी के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें हसनपुर विधानसभा से महेंद्र सिंह और नौगवा सादत से देवेंद्र नागपाल, धनौरा विधानसभा से राजीव तारा ने नामांकन कराया, जबकि अभी बाकी किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन नहीं कराया। नामांकन के भाजपा प्रत्याशी महेंद्र खराब वंशी ने एक बार फिर आचार संहिता और कोविड-19 के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। बिजनौर सदर सीट से सपा का गठबंधन, दोनों प्रत्याशी अपने टिकट का दावा कर रहे हैं। बता दें कि सपा प्रत्याशी का कहना है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उन्हें बिजनौर सदर सीट से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने के निर्देश मिले हैं, जबकि गठबंधन के प्रत्याशी का कहना है कि जयंत चौधरी ने RLD से उन्हें सीट से सिंबल देकर चुनावी मैदान में उतारा है। बहरहाल दोनों प्रत्याशी अपने दावेदारी को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। रुद्रपुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार प्रत्याशी अरविंद कुमार साहनी ने रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के सुदामा चौराहे पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं लगातार रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के डोर टू डोर जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहा हूं। और उन्होंने कहा कि मैं जनता को समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए प्रेरित करता हूं। उनका कहना है कि मुझे समाजवादी पार्टी रुद्रपुर विधानसभा से उम्मीदवार घोषित करती है तो मैं बड़े अंतर से भाजपा के प्रत्याशी को पछाड़ दूंगा। शाहनी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो रुद्रपुर के दोआबा क्षेत्र को बाढ़ से निजात दिलाने का कार्य किया जाएगा और रुद्रपुर विधानसभा का चौमुखा विकास भी किया जाएगा। लगभग रुद्रपुर विधानसभा 336 में मैं लगभग गांव में लोगों के दरवाजे घूमा हूं और बहुत अच्छे तरीके से यहां की जन समस्याओं को मैंने जाना है।
सबसे बड़ी समस्या ये है कि दोआबा में पानी का निकासी, जिसके लिए कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं है। अगर जो वहाँ जल निकासी की व्यवस्था हो जाए तो पूरा 52 गांव का दोआबा एकदम विकसित हो जाएगा। समस्याएं घरेलू भी हैं, मान लीजिए कि सिलेंडर 400 में दे के और 1020 रुपये में खरीदवा रहे हैं लोग, तो औरतें जो है यह कहती हैं कि भाजपाई अगर जो हमारे दरवाजे पे आ जाएं तो फिर हम लोग समझाएंगे कि आप लोगों ने क्या किया है। गाजियाबाद में सपा RLD गठबंधन के प्रत्याशी का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि बिना मास्क वो समर्थकों के साथ प्रचार करते हुए नजर आए। खौड़ा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि साहिबाबाद के प्रत्याशी हैं अमरपाल शर्मा और पूर्व में अमरपाल शर्मा पर हत्या और हत्या की कोशिश और रंगदारी के मुकदमे भी दर्ज हैं। गोरखपुर में दीवानी कचहरी के बाहर गोली मारकर फरियादी की हत्या कर दी गई। गोरखपुर में दिन दहाड़े दीवानी कचहरी के गेट के सामने बदमाशों ने फरियादी की गोली मारकर हत्या कर दी। फरियादी बिहार का निवासी था और अपने अधिवक्ता से मिलने दीवानी कचहरी आया था। वो बहड़गंज कोतवाली में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अभियुक्त था। कचहरी गेट पर हुई इस दुस्साहसिक घटना से अधिवक्ता आक्रोशित हो गए। पुलिस ने किसी तरह से उन्हें समझा बुझाकर शव को अपने कब्जे में लिया। वहां मौजूद लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि एक मौके से भागने में कामयाब रहा। हाँ, तो उसको गोली मारी है और जो अभियुक्त है वो भी निषाद है। एक यहीं का लो, एक मिनट, क्या नाम है इनका? भागवत निषाद, मैं फिर से बताता हूँ। भागवत है, देखिए, दिलशाद हुसैन नामक व्यक्ति की हत्या हुई है। ये एक्यूज है किसी पॉक्सो के केस में और इसको भागवत निषाद नामक व्यक्ति ने गोली मारी है कचहरी के अंदर में, और इसको मौके पर ही ऐसा प्रतीत हो रहा कि उसकी मृत्यु हो गई है। अभी जिला सदर साहब और पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौके पर आ गए थे। मुलजिम को जनता के सहयोग से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसको बॉडी को पोस्टमार्टम कराकर उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसको फॉलो अप की जाएगी। गोरखपुर सदर सीट पर CM योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि गोरखपुर की सदर सीट सूबे की महत्वपूर्ण सीट है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बिंदा देवी सैनी ने दावेदारी ठोकी है। सपा की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बिंदा देवी सैनी की माने तो बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों से जनता परेशान है और जनता समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। गोरखपुर की सीट जनता सपा प्रत्याशी को जिताने जा रही है। गोरखपुर महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष बिंदा देवी सैनी से खास बातचीत के हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने, आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। गोरखपुर की सीट जो है काफी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से जो है खुद चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। तो ये सीट अपने आप में उत्तर प्रदेश की जो है काफी हॉट सीट मानी जा रही है और यहाँ पर CM खुद चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ एक चुनौती है, इस सीट पर किसको टिकट देगी। और समाजवादी पार्टी की तरफ से बिंदा देवी सैनी ने जो है अपनी दावेदारी ठोक रखी है, इसी सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। और समाजवादी पार्टी की मौजूदा स्थिति में जो है महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस हॉट सीट पर वो चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदा देवी जी न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। क्या मानती है कि ये सीट जो है कि इतनी हॉट सीट है और आप यहाँ से चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं, क्यों आपने दावेदारी की है? देखिए, सबसे हॉट जनता होती है, मानते हैं जनता का इस समय जो मूड है वो भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं सुनना चाहता। और हमने भी 25 साल से इसी जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की, तो हमने भी दावेदारी किया है। बाबा जी तो तीन जगह से लड़ रहे थे, मथुरा से आया, नाम तो मथुरा से लड़ रहे, फिर आया अयोध्या से लड़े, अब फिर आ गए गोरखपुर में, क्योंकि हर जगह से इनकी हालत पतली हो गई है, गोरखपुर वाले भी पतले कर दिए। क्या मानती है कि आखिर विकास इतना गोरखपुर का जो है हुआ है, चैनलों पर चल रहा है, इतना विकास CM योगी आदित्यनाथ ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर का इतना डेवलपमेंट किया है, तो समाजवादी पार्टी कैसे जीत पाएगी? आखिर वो किस दम पे जो है समाजवादी पार्टी ताकत हो गई? समाजवादी पार्टी अपने वादों पे खरा उतरने का ताकत हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी की पार्टी है, जुमलेबाजी करती है, घोषणा नहीं। आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से
टूट चुका है। आप देखे होंगे कि इन्होंने अपने एक भी घोषणा पत्र को चरितार्थ नहीं किया, सारे इनके घोषणाएं झूठी साबित हुई। अब ये बताइए, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बढ़िया कॉलेज चाहिए, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को कि मंदिर चाहिए? मैं तो मैं नहीं मानती। हमारे बच्चों के लिए बढ़िया कॉलेज चाहिए, बढ़िया यूनिवर्सिटी चाहिए, बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए। आप देखे हुए कोरोना काल में तमाम लोग तर तर के मर गए, ऑक्सीजन के बगैर लोग मर गए, मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 400 बच्चे मर गए। तो हमको मंदिर से कुछ मिलने वाला नहीं है, मंदिर हमारे भगवान में हमारी आस्था है, हम भगवान के मन में भी पूजा कर सकते, लेकिन बच्चे जब तड़प रहे ऑक्सीजन से मर गए, उस समय हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, वो नहीं थी। आपको बीजेपी कर रही है, बीजेपी ने दिया फर्टिलाइजर गोरखपुर में, बीजेपी ने दिया और अच्छे कॉलेज भी अमूमन गोरखपुर में है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ? और एक दूसरा सवाल जो बड़ा उठ के आता है, गोरखनाथ मंदिर एक पूर्वांचल का या एक जो है आस्था का एक बड़ा केंद्र है, और लोग जो है मंदिर के नाते जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ पूजते हैं, ऐसा भी माना जाता है, तो इसका कितना असर पड़ेगा? ये जो आस्था का केंद्र है, इसके सामने मुद्दे क्या गौर नहीं हो जाएंगे? जनता इनको पूजती थी योगी जी, लेकिन जब इतने बड़े पद पे आसीन हुए, सीएम बने, तभी इन्होंने भेदभाव किया। आप देखे होंगे कि आईएएस के पूरे पद जितने थे 16 पद, सबसे सामान्य जात के लोगों को भर्ती कर दिया। उस समय क्यों ना किसी मुसलमान को किया, क्यों ना किसी पिछड़ी जात को किया, क्यों ना किसी दलित को, एक भी दलित या पिछड़ा समाज का व्यक्ति वहाँ उस पद पर नहीं रखा गया, क्यों? ये पूछता है पिछड़ा समाज। तो क्या मानती है कि जो ये जातवाद की जो राजनीति है, जातवाद यहाँ राजनीति में हावी रहेगा क्या? अब बाबा की जो व्यक्तिगत है आप देख लीजिए, सारे थानों पे देख लीजिए, चौकियों पे देख लीजिए, सारी ऑफिसों में देख लीजिए कि एक बार की लोकसभा में, तो ये जातिवाद, साधु महंत कहते हैं कि हम महंत है, साधु है, तो इनके अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए जो सबके सामने है। मैं नहीं है कि अपने मन से कह रहे हैं, और आपने देखिए भारतीयों में, आपने देखिए पिछड़ों को वजीफा नहीं आया, पिछड़ों के जो आरक्षण थे वो खत्म किए गए, तो ये क्या है? आप सिर्फ पिछड़े का और चाहिए, अब पिछड़ा जाग चुका है, अब पिछड़ा हिंदू नहीं है, हम सैनी हैं, आप यादव हैं, वो बनिया है, फला गुप्ता है, बढ़ई है, लोहार है, कुम्हार है, उसके बाद हम। लेकिन नाथ संप्रदाय में तो ये माना जाता है कि वहाँ जाति और संप्रदाय नहीं देखा जाता है, और गोरखनाथ जो मंदिर है वो नाथ संप्रदाय का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। नाथ संप्रदाय केंद्र का बड़ा केंद्र माना जाता है, और ये जनता इनको पूछती भी है, पूछती थी, लेकिन आज के जो सीएम योगी जी हैं, जो इनके क्रियाकलाप हैं, पिछड़ों के प्रति जो इनके द्वेष है, दलितों के प्रति द्वेष है, आप देखोगे प्रियंका भारती की हत्या यूनिवर्सिटी में हो जाती है, और उसको एन के प्राकृत हत्या का संज्ञान दे करके, और उस हम लोग उस लड़की को देखे थे कि वो कैसे फांसी लगा सकती है, कैसे मर सकती है, जब उसका पैर इतना जमीन से पेपर में छपा था कि जमीन में पैर लटका हुआ है, तो कैसे मर गई, उसको मारा गया, उसको फांसी, उसके बाप माँ से कभी जा करके मिलते हैं, इंटरव्यू ले लीजिएगा। ये हमारे साथ थी बिंदा सैनी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों को लेकर गोरखपुर की जनता बीजेपी के खिलाफ जो है वोट करेगी, और गोरखपुर में जो है परिवर्तन होगा, और अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, और समाजवादी पार्टी के खाते में गोरखपुर सदर की सीट जो है जाएगी। कैमरा पर्सन अशोक कुमार और मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। बीते दिनों मांस तस्करी मामले में कार्रवाई न होने से नाराज हिंदू संगठनों ने अपर पुलिस अधीक्षक महोबा को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में छिपाकर मध्य प्रदेश बिक्री को 4 व्यक्तियों को हिरासत में छोड़कर स्थानीय पुलिस पर आरोप लग रहा है कि ये लोग वहां से स्कॉर्पियो में मांस लेकर जा रहे थे, और वहां की जो पुलिस है उन्होंने उन्हें जाने दिया। मामला मोहब्बत जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र का है। गाड़ी से बरामद मांस की जांच के मामले में जिला प्रशासन की हिलावाली पर आक्रोशित होकर आगामी दिनों में आंदोलन की चेतावनी दी है।
दिनांक 15 जनवरी को एक स्कॉर्पियो गाड़ी में, जिसमें कि पीछे पत्रकार टीवी प्रेस करके एक स्टिकर भी लगा हुआ था, उसमें सस्पेक्टेड मांस पकड़ा गया था, जो कि जिसकी सैंपलिंग के लिए उसी दिन शाम को वेटनरी वाले जो विभाग है वेटनरी का, उसको भेज दिया गया। हाँ, ये हिंदू संगठनों के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसका मैंने अवलोकन कर लिया है। इसमें पिछले दिनों एक मांस जो है वो पकड़ा गया था एक फोर व्हीलर गाड़ी में, जिसके संबंध में उनकी ये शिकायत है कि उनको उन पर बिना कोई उचित कार्रवाई किए और उन्हें छोड़ दिया गया है कोतवाली पुलिस के द्वारा। इस संबंध में मेरे द्वारा ये एक जांच जो है COCT को दी गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे, इसमें पुलिस के स्तर से क्या लापरवाही की गई है और तदनुसार जो है वो आवश्यक कार्रवाई इसमें शीघ्र ही कराई जाएगी। सीतापुर में राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी जाते समय कुछ समय के लिए यहां ठहरे। किसान नेता राकेश टिकैत का किसान नेताओं ने भव्य स्वागत किया। राकेश टिकैत तिकुनिया हिंसा मामले में जेल में बंद किसान के परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे। तिकुनिया हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से भी मुलाकात की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ, यह दुखद है, तभी लखीमपुर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आज जा रहे हैं लखीमपुर खीरी, वहाँ पे जो मामला हो गया था, अजय टेनी वाला मामला था, उसके बारे में जाएंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे। वहाँ पे जो लोग जेल में बंद हैं उनके वहाँ परिवारों से मिलेंगे, और जो 5 लोगों की डेथ वहाँ पे हुई थी तो उन परिवारों से मिलेंगे, क्योंकि उस दिन के बाद वो वहाँ पे गए नहीं। सब चीज़ें साफ है, उसके बावजूद आप अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। और इस्तीफा नहीं हुआ तो जब ही तो जा रहे, इस्तीफा नहीं हुआ तो ये दुखद घटना, इस्तीफा नहीं हुआ। सीतापुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर भतीजे की मौत हो गई, वहीं चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। तक युवक का पोस्टमार्टम कराने से परिजनों ने इनकार कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। अज्ञात वाहन को ढूंढने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।